दोस्तों इन्फिनिक्स ने कई सारे रीजन्स में अपनी इन्फिनिक्स जीरो एक्स सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको तीन स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, इन्फिनिक्स जीरो एक्स, इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो एंड इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू स्मार्टफोन। एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स जीरो एक्स स्मार्टफोन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस के बारे में एंड इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी नया डिजाइन देखने को मिलता है। पीछे की साइड यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको तीन कैमरास देखने को मिलेंगे एंड एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी। नीचे की साइड यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों फ्रंट साइड से यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन 7.8 mm थिक होगा। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का फ्रेम होगा एंड दोस्तों ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। एंड दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी देखने को मिलेगी आईकू 7 स्मार्टफोन की तरह। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरास की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 64 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, जिसमें कि आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का होगा पेरिस्कोप लेंस, जिसमें कि आपको OIS सपोर्ट देखने को मिलेगा। 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा एंड 60x हाइब्रिड जूम भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पे। बात करें सेल्फीज की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंट्रली अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8GB LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 3GB एक्सटेंडेड रैम भी देखने को मिलेगी, यानी आप अपने स्मार्टफोन की रैम को 3GB बढ़ा सकते हैं वर्चुअली। बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 45W की फास्ट चार्जिंग आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें मल्टीमीडिया की तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा मिलने वाला है आपको इस स्मार्टफोन में। बात करें OS की तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का कस्टम स्किन यानी कि XOS 7.6 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। यहाँ पे आपको थोड़े एड्स देखने को मिलेंगे, ब्लोटवेयर देखने को मिलेगा एंड दोस्तों कस्टमाइजेशन थोड़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन में। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्ट देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.1 होगा एंड दोस्तों GPS का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की तो यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की तो दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में 15,000 से 16,000 रुपए के आसपास के प्राइस में देखने को मिल सकता है। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर एंड तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है या फिर ये स्मार्टफोन अक्टूबर की स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।